राष्ट्रीय संसदीय संघ के इस नौवें सम्मेलन के अत्यंत गरिमापूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अपने इस देश के सर्वोच्च सदन की अध्यक्ष सम्माननीय ओम बिरला जी, राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, और जिनकी सक्रियता के कारण ये दूसरा सीपीए का सम्मेलन यहां हो रहा है, ऐसे हमारे गतिशील विधानसभा के अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी जी, राज्यसभा के उपसभापति हरवंश जी और सीपीए के चेयरपर्सन यान लिंडर ग्रेंजर जी, भाई संयम जी, देश भर से आए हुए विभिन्न विधानसभाओं के सम्मान्य अध्यक्षगण, पीठासीन अधिकारीगण और आज के कार्यक्रम में भागीदारिता ले रहे विधायकगण, ये राजस्थान की धरती, ये मेवाड़ की धरती, ये स्वाभिमान की धरती है, ये परिवर्तन की धरती है। इस धरती के कण कण में त्याग, तपस्या, मान मर्यादा का इतिहास छुपा है। ऐसी धरती पर आज देश भर के पीठासीन अधिकारियों का, माननीय अध्यक्षगणों का स्वागत करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे विधानसभा के अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी जी को। इस 15वीं विधानसभा में उनकी सक्रियता के कारण से हम सीपीए के एक नए रूप से रूबरू हुए और इस विधानसभा के सत्र में कोई ऐसा सत्र नहीं मिला जिसके अंदर सीपीए के मंच पर हमने देश के लब्ध प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के विचार नहीं सुने। और निश्चित तौर पर जब आज संसदीय लोकतंत्र को, सुशासन को, और किस प्रकार हम उन विचारों को जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय में अपने विचारों में रखा था, उनको किस प्रकार संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से मजबूत करें, उस पर विचार हो रहा है। और निश्चित तौर पर जब आज हम सब लोग यहाँ उदयपुर में एकत्रित हुए हैं, तो मैं इसी विधानसभा क्षेत्र का लगातार 7 बार प्रतिनिधित्व करने वाले आज हमारे असम के महामहिम राज्यपाल गुलाब जी कटारिया जी को भी इसलिए स्मरण कर रहा हूं कि उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता के रूप में एक अहम भूमिका निभाते हुए इस 15वीं विधानसभा में एक सकारात्मक दृष्टि से पक्ष और प्रतिपक्ष के रिश्तों को मजबूत करने का काम किया। अध्यक्ष जी, हमें इस बात का भी गर्व है, आज हिंदुस्तान के दोनों उच्च सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के अंदर जो सदारत कर रहे हैं, सभापतित्व कर रहे हैं, वो हमारे राजस्थान की विधानसभा से निकले हुए सम्मान्य ओम जी बिरला और जगदीप जी धनखड़ हैं। और ये धरती भैरव सिंह जी शेखावत की धरती है। मैं कह सकता हूं कि संसदीय परंपराओं को और संसदीय परंपराओं के साथ हमेशा प्रदेश के हित में अपने राजनीतिक विचारों से अलग हटकर जो उन्होंने एक नई दिशा दी थी, आज वो हमारे सबके लिए अनुकरणीय है। मैं इस अवसर पर निश्चित तौर पर यह भी कहना चाहता हूं कि आप आए हैं, देश के अलग अलग स्थानों से आए हैं, आप रूबरू होंगे यहां उस इस देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी राणा प्रताप की वीरता से। ये मीरा की धरती है, पन्ना धाई के बलिदान की धरती है। निश्चित तौर पर जब हम देखते हैं तो लगता है कि राजस्थान एक तरह से विविधता को लिए भी एकता का संदेश देता है। मैं इस अवसर पर इस बात को भी कहना चाहूंगा, ये हमारे लोकतंत्र की खूबी रही, लोकतंत्र की गरिमा रही। ओम जी बिरला आज अध्यक्षता कर रहे हैं, ये कोटा के अंदर वाणिज्य कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में एक साधारण परिवार से निकलकर हमारे साथ नारे लगाया करते थे, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, आज लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसी लोकतंत्र की खूबी है, एक आदिवासी महिला जो पार्षद से अपने राजनीतिक जीवन को प्रारंभ करती है, इस 145 करोड़ के देश के राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर, संवैधानिक पद पर पहुंच जाती है। इसी लोकतंत्र की खूबी है, बचपन में जिन्होंने गरीबी देखी हो, बचपन में जिन्होंने चाय बनाई और बेची हो, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। निश्चित तौर पर जब हम चर्चा करते हैं और आज जब हम देखते हैं, ब्रिटानिया हुकूमत ने हम पर बरसों तक राज किया,
आज उस ब्रिटानिया हुकूमत को, जिसको हमारे देश के अंदर कभी कहा जाता था कि इनका सूर्य कभी सत्ता का अस्त नहीं होता, आज हमारे भारत के मूल के ऋषि सुनक वहां का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां एक ओर हमने उनकी अर्थव्यवस्था को हराकर भी आगे बढ़ने का काम किया। आज एक दर्जन से ज्यादा देशों के अंदर, चाहे मॉरिशस हो, मलेशिया हो, पुर्तगाल हो, सुरीनाम हो, फिजी हो, गुयाना हो, सिंगापुर हो, तिब्बत हो, भारतीय मूल के लोग आज इस धरती से निकलकर वहां अलग अलग जगह पर सदारत कर रहे हैं, वहां अपने अपने अलग अलग देशों का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर निश्चित तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, हमारा संविधान जब बना, संविधान का जो हमारा मूल चरित्र था वो संघीय ढांचा था। हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के अलग अलग दायित्वों को बड़ी अच्छी तरह रेखांकित किया था। पर आज जब हम देखते हैं इस संघीय ढांचे के अंदर भी कई बार ऐसे प्रकरण आ जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, एक बार प्रकरण आया था राजस्थान की विधानसभा में, हम सब लोगों ने एक संकल्प इसलिए लेना पड़ा कि पंजाब ने 1981 में जो हमारा हिस्से का पानी था उसको रोकने के लिए एक टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट पंजाब की विधानसभा ने ले लिया। एक बार हमने उस समय भी चर्चा की थी जब हरियाणा ने हमारे यमुना क्या 1994 के समझौते के अनुसार जो पानी हमें मिलना चाहिए था उस विधानसभा में चर्चा करके कहा कि राजस्थान को पानी नहीं मिलेगा। ये बात मैं इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि आज हमें जब बात कर रहे हैं पीठासीन अधिकारियों के साथ उस नीति निर्माण करने वाली विधानसभा लोकसभा के कार्य संचालन के लिए, तो निश्चित तौर पर जब इस प्रकार के पहलू आते हैं, इस प्रकार के मौके आते हैं, तो चिंता की बात भी रहती है। मैं इस अवसर पर आपको सबको धन्यवाद भी देना चाहूंगा और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उसके जिसके लिए चिंता हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी अक्सर किया करते हैं, हमें विधान बनाने वाली सभाओं में जाते हैं और विधान बनाने का जब समय आता है तो हमारा पार्टिसिपेशन किस प्रकार का रहता है, किस कारण से कम रहता है, निश्चित तौर पर चिंता की बात है। और अभी हम सब लोग देख रहे हैं, जब से YouTube पर विधानसभा लोकसभा की कार्रवाइयों का सीधा प्रसारण होना प्रारंभ हो गया, मैं अध्यक्ष जी एक विद्यालय के कार्यक्रम में गया, अचानक कुछ बच्चे खड़े हुए, वो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे थे। एक बच्चे ने मुझे आकर कहा कि हमने विधानसभा में आप लोगों को नारे लगाते हुए देखा था, मुझे महसूस हुआ कि विधानसभा का यह वेल, जिसको हम कुआं कहते हैं, इसके अंदर जब हम जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो ये कार्रवाई दुनिया के लोग, प्रदेश के लोग और देश के लोग देखते हैं तो उस पर चर्चा करते हैं। मैं इस अवसर पर निश्चित तौर पर सीपीए का ये सम्मेलन हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा, किस प्रकार हमारे विधानसभा के कार्य संचालनों में एकरूपता आए, किस प्रकार विधानसभा के अंदर विधान बनाने के अंदर सक्रिय भूमिका लोगों की रहे, किस प्रकार विधानसभा में जो बैठके हैं उनकी संख्या आगे बढ़े, किस प्रकार विधानसभा की समितियों को, जिन समितियों में बैठकर हम चर्चा करते हैं वो कारगर और धारदार हो, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आप सबका स्वागत करते हुए आज लगता है कि पूरे देश की संस्कृति एक जगह पर आ गई, पूरे देश के संसदीय लोकतंत्र को बेखूबी से अपने अपने राज्य में संचालित करने वाले हमारे विधानसभा अध्यक्षों को देखकर लगता है कि आज पूरे देश की अलग अलग संस्कृति को हम आज एक साथ आत्मसात कर रहे हैं इस सभागृह में। आप सबका झीलों की नगरी में स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।